Hello my lovely students, I am Arima Khanam and welcome back to Biology Online Classes. I am once again with you to illustrate the next chapter of your Real English and the chapter's name is The Fox and the Grapes. ये जो poem है ये आपने previous classes में भी पढ़ी होगी as a poem and as well as in story. तो अगर इस poem को आप एक बार पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका illustration क्या है. But it's my prior duty to explain it to you, so I'm here to give the explanation of this lesson. So let's read it and understand it. One summer's day, a fox was passing through an orchard, faint he was and hungry too. What do you understand by these two lines? One summer day, की बात है, तब एक fox एक orchard की तरफ से गुजर रही थी और वो बहुत भूखी थी कि वो बेहोश हुई जा रही थी भूख के मारे. तब ही उसने क्या देखा. When suddenly his keen eye changed to fall upon a bunch of grapes upon the wall. तब उसकी जो keen eyes थी, जो बहुत anxious आंखें थी, जो किसी चीज को ढूंढ रही थी, उसकी eyes किस चीज पर पड़ी, a bunch of grapes पे. तो as he was very hungry तो वो देख के उसे रेजिस्ट नहीं कर पाई. आह जस्ट द थिंग ही सेड, हु कुड रेजिस्ट इट. ही आईड द पर्पल क्लस्टर, जंप्ड एंड मिस्ड इट. फिर उसने उसे पाना चाहा, उसे वहां से प्लक करना चाहा, तो ही जंप्ड एंड ही ट्राइड बट ही मिस्ड इट. लाइक दिस ही कफ्ड, आई विल टेक मोर careful aim and he sprang again. Result were much the same. फिर जब वो pluck नहीं कर नहीं पाया तो फिर उसने कहा जैसे आप लोग करते हो जब बाहर जाते हो कुछ काम करते वक्त, तब वैसे ही उसने भी किया. उसने कहा अच्छा शायद मेरे जो efforts थे वो कम थे, अब मैं और तेज jump करूँगा और इसे pluck कर लूँगा. Although his leaps were desperate and high, at length he paused to wipe a tearful eye. और उसने क्या किया, बहुत अपनी पूरी कोशिश के साथ, अपनी पूरी जी जान के साथ जंप किया, पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाया और बेचारा बहुत परेशान हुआ, बहुत कोशिश की पर वो उसे पा नहीं पाया. And shrugged his shoulder, I am not dry and lunch is bound to come within an hour. Besides, he said, I am sure those grapes are sour. तो उसने कहा चलो छोड़ो ठीक है, और वैसे भी मेरा खाना आने वाला है एक घंटे में, और शायद वो अंगूर जो है वो खट्टे ही हों. तो एक्चुअली ये पोएम का एक मॉरल है कि जब आप कोई चीज नहीं कर पाते हो तो उसके लिए हम एक फ्रेज, एक idiom यूज करते हैं, A case of sour grapes. जब हम कहते हैं ना कि लो ये काम नहीं कर पाया और ये इसे नहीं हो पाया, कहते ठीक है ठीक है, हाँ मेरे से नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, वो ऐसा आप कुछ रीजन देने लगते हो. तो आपके फ्रेंड्स कहते हैं नहीं अंगूर खट्टे हैं ऐसे नहीं मिले. तो वैसे ही इस idiom को हम इंग्लिश में कहते हैं A case of sour grapes. जब आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हो और एंड यू डू नॉट एडमिट डिफीट, आप हार नहीं मानते हो और उसे प्रूव करना चाहते हो कि वो सही नहीं है आपके लिए. सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. सो काइंडली डाउनलोड द एक्सरसाइजेस फ्रॉम स्कूल मित्रा एंड डू द एक्सरसाइजेस इन योर बुक. टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.